सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अनुसूचित जाति उपयोजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इस योजना के तहत मंडी जिला में चालू वित्त वर्ष में 113 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये धनराशि अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक व आर्थिक विकास पर खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में इस उपयोजना के तहत मंडी जिला में अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण पर 145 करोड़ 60 लाख 83 हजार रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीते वित्त वर्ष में कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर 6 करोड़ 60 लाख 41 हजार रुपए, ग्रामीण विकास पर 38 हजार 8 लाख, पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं पर 24 करोड़ 58 लाख, सड़कों व पुलों के निर्माण पर 30 करोड़ 50 लाख, स्वास्थ्य सेवाओं पर 6 करोड़ 68 लाख 85 हजार, शिक्षा पर 7 करोड़ 54 लाख, सामाजिक कल्याण पर 25 करोड़ 28 लाख रुपए व्यय किए गए। इस योजना के तहत 693 अनुसूचित जाति परिवारों को लाभान्वित किया गया है। अनुसूचित जाति उपयोजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर के तेवर उस समय तलख हो गए जब कुछ विभागों के अधिकारियों द्वारा आवंटित बजट को बिना विधायकों के बताए खर्च करने की बात सामने आई। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों का पैसा संबंधित विधायकों की सहमति से खर्चने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकता को तरजीह दें, साथ ही उनकी सहमति से ही विकास कार्यों पर पैसा खर्च किया जाए, बिना बताए मनमर्जी से पैसा खर्च ना किया जाए। समिति को बताए बिना पैसा खर्चने पर बजट का अनुमोदन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग सुनिश्चित करे कि केवल कुछ एक लोगों को बार बार सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए बजट का बराबर आवंटन करें ताकि गरीब पात्र व्यक्ति को लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के चालू वित्त वर्ष के बजट पर निराशा व्यक्त की है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए इसमें कोई योजना नहीं है, देश में औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। बजट में विदेशी निवेश पर तो जोर दिया गया है, पर देश में अपने बाजार व्यवस्था करने के लिए उन्हें अनदेखा किया गया है। जीएसटी के सरलीकरण का वायदा भाजपा ने व्यापारियों से किया था, पर इस बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल विस्तार को भी ठेंगा दिखाया गया है। प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि इस बार हिमाचल को विशेष महत्व और आर्थिक पैकेज से नवाजा जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश से वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद केंद्रीय बजट में प्रदेश की अनदेखी से कांग्रेस पार्टी भी हैरान है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कभी एफडीआई का खुलकर विरोध करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार आज देश में इसी को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बजट में नए भारत का परिकल्पना है, इससे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी और केंद्र की योजनाओं से लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में इस बार हिमाचल के हिस्से में भारी इजाफा हुआ है। हिमाचल को आवंटित होने वाले बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 6.3% की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने वाले हिमाचल की तर्ज पर पहली बार केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को केंद्रीय बजट में जगह दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य था जिसने 2018-19 में बजट से 25 करोड़ का प्रावधान किया था।
केंद्रीय बजट में वैसे तो हिमाचल को कुछ नहीं मिला है, लेकिन कई प्रावधान हैं जिनसे प्रदेश को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य पूरा करने को एग्रो आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनधन खाता धारक महिलाओं को 5,000 रुपए, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को 1,00,000 मुद्रा लोन व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण के लिए कारगर सिद्ध होगी।